एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तन्वी, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर दीदी के यहाँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि छठ पूजा है कल, तो आज हम लोग निकल रहे दीदी के यहाँ से। तो अब भी देख सकते हैं पैकिंग वगैरह चालू एकदम, और मैं पहले ही रेडी हो गई। मैं अभी गई थी ऑफिस से मैं घर आ गई हूँ आज जल्दी। तो चलिए फटाफट से पैक कर लेते हैं, क्योंकि गाइस अब 1 घंटे के बाद मेरी ट्रेन है, तुरंत मुझे निकलना भी है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फटाक से पैकिंग करते हैं। गाइस ये सारा सामान देख सकते हैं, ये मैं बाबू के लिए लाई हूँ। बाबू का बर्थडे भी बीता था अभी जल्दी में, तो ये बाबू के लिए कलर ले आए हैं। इधर देख सकते हैं ये क्रियॉन कलर, और ये पेंसिल का पूरा सेट है, और इसमें ये देख सकते हैं सारा सामान। ये बाबू के लिए स्पेशल गिफ्ट है ये, इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है। और यह देख सकते हैं बाबू के लिए ये टिफिन लाई हूँ मैं, कुछ ऐसे है टिफिन। तो बाबू अभी स्कूल जाने लगा है, तो ये सारी चीज़ें मैं उससे उसके लिए लेके आई हूँ। अभी मैं सारा शॉपिंग अभी करके आई हूँ मैं फटाक से जल्दी जल्दी। और यहाँ देख सकते हैं ये सारा फल फ्रूट सब कुछ है यहाँ पे, सारा कुछ। चलिए फटाक से पैक कर लेते, फिर आपसे मिलते हैं। फटाफट पहले मैं पैक कर लेती हूँ, ये मम्मी नीचे रख देना, छूटे ना। पपीता नहीं, पपीता जाएगा? नहीं जाएगा पपीता। ये और बाकी सब ये जाएगा, ये अमरूद भी जाएगा। तो ये छठ पूजा में चढ़ाने के लिए फल भी ले जा रहा हूँ यहीं से। अचानक से रूही आ गई मेरे घर। बैठो यहाँ पे, देखो यहाँ मैं पैकिंग कर लिया, अब मैं जा रही हूँ। मेरी बहन कितने दिन बाद मिली है मुझसे, बहुत टाइम बाद आज रूही से मिले हैं। और भी कोई आ रहा है लग रहा है, कौन आ रहा है? मेरी भाभी आ गई। कैसी हो बाबू? नमस्ते भाभी। कहो बिटिया। ये दीदी है। दीदी नमस्ते। ये भाभी की बड़ी बहन, सही टाइम पे आई एकदम, हम लोग निकलने वाले हैं। हाँ? दीदी क्या 3:30 बजे निकल जाएंगे। राजू भाई किधर है? जा रहे ना छठ पूजा में। तो ये आंटी हमको बताएगा आईने कल? हम लोग ना आज दोनों भाई बहन जा रहे होंगे। मम्मी नहीं जा रही है, आंटी बैठी बुला रहे मम्मी को, बस यही बैठी भैया यही आए हैं तुरंत, और पैकिंग वैकिंग की है फटाफट, ऑफिस से आए तुरंत यही पे बैठिए। राजू भैया किधर है? ऊपर है, नहा रहा है। तो चलिए गाइस अभी निकलेंगे, तब आप लोग से मिलते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर ले, बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं। आती नहीं है ये, बदल गई है, मिलती नहीं है मुझसे, बदल गई है ना, आ गए हैं बगागर। ये सब क्या हो गया अपने गोरे गोरे गालों को? मच्छर बोले थे यही रही है, मच्छर आ रही है। तो चलिए गाइस थोड़ा बातें कर ले, 10 मिनट मेरे पास और है, थोड़ा सा बातचीत कर ले, बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं। तो बने रहिए वीडियो। सो गाइस देख सकते हैं मैं रेडी हो गई एकदम, और ऑटो जा रही है, बस ये सब लोग बात कर ली है। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं आ रहा होगा। सो गाइस आपको पता है कितने दिनों बाद आई हूँ, आपको पता है कि मैं इतने दिनों बाद आई हूँ यहाँ, और मैं अपनी दीदी को इतने दिनों बाद मिलने आई हूँ, और ये गोरखपुर जा रही हूँ। उसको दीदी मिलने के लिए नहीं रुकी, सीधा गोरखपुर जा रही ना, मैं मेकअप कर पाई। मेकअप करोगी? चलो मेकअप बाद में करना। तो गाइस चलते हैं, बस इतना ज्यादा शोर शराबा, भाभी निकल रही है क्या? आप ही जा रहे हैं गाइस? आई थी मुझसे मिलने सही टाइम पे। तो चलिए गाइस, बाय गाइस, लगे रहिएगा व्लॉग में। हाँ। और छोड़िएगा मत, चलो फटाफट सामान निकालो भाई। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करिएगा। अब तो बिल्कुल कर दीजिएगा, रूही ने बोल दिया, बस आ तो 2 मिनट। जा छोड़ दो अंकल, इतना भी नहीं करी गाइस। मम्मी आराम से। अरे इतना दूर कर मम्मी। चलिए भैया भागे रास्ता है। सो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं, ऑटो में बैठ गए हैं, और इधर तो बादशाह नगर जा रहे हैं, बादशाह नगर से हमारी ट्रेन है। तो चलिए बने रहिए। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैं बादशाह नगर पहुंच गई, इधर बादशाह नगर रेलवे स्टेशन। तो मैं यहां पे आ गई, और यहां पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ भी है, काफ़ी सारे लोग, उनको लग रहा है सब छठ पूजा में जा ही रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ है, तो चलते हैं अंदर। अभी ट्रेन आई नहीं है, सही टाइम पे हम लोग पहुँच गए हैं, तो इसी के साथ चलते हैं अंदर। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। ओह गॉड, ये सब छठ पूजा वाले हैं। कल है छठ पूजा, इसीलिए सब लोग इतनी ज़्यादा भीड़ है। उधर आ रही है, अभी आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग ट्रेन का। बस 10 मिनट में आ जाएगी ट्रेन। बस थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। आ गई गाइस ट्रेन। फाइनली ट्रेन चल रही है, आराम से बैठ गए हम लोग और बिल्कुल सीट हमारी। बस पहुंच जाएंगे रात होते होते, रात तो हो ही जाएगी पहुंचने में। विंडो के साथ पास बैठो, मज़ा ही आ जाती है ट्रेन में। और इधर बगल में भाई भी है बेचारा, बीच में बैठा है। जंगल ही जंगल आ रहा है। सॉन्ग सुन रही थी बट कितनी देर सुने, दूध की बैटरी भी लो हो गई, बैठे हुए अभी तक पहुंचे नहीं। पूरा रात हो गया गाइस, देख सकते हैं बाहर शक्ल की एकदम बैंड बज रही है। तो अभी टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि ट्रेन हमारी ना लेट हो गई और बहुत स्लो स्लो चल रही है। जब देखो तुरंत रुक जा रही है। अगर ये ट्रेन अपने टाइम पे रहती ना, लेट नहीं होता, हमेशा बहुत जल्दी पहुंचा देती थी। बट इस बार पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया, और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। लग रहा है आज तो बहुत लेट हो जाएगा इस बार हम लोग को पहुंचने में। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया गाइस। गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं बस्ती। बस्ती में फिर ट्रेन रुकी। अब तक हम लोग कब का बस्ती पहुंच गए होते, पर ट्रेन लेट होने की वजह से अब हम लोग बस्ती पहुंचे हुए हैं। फिर से चल रही है।
देखते हैं तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ आ गए हैं भैया भैया हमें लेने आए हैं। और कौन आया है? कितना भी आया है? सब लोग आए हैं। कौन कौन आया है? बाबू देखो 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 बाबू हेलो हाय हाय गाइस कर दो हाय गाइस। सो फाइनली गाइस जा रहे हैं अब घर। सभी लोग देख ले इतने सारे लोग लेने आए हैं, पूरा कार भर गया है। बाबू भी आया लेने। तो फाइनली पहुंच गए। वहाँ से इतना टाइम लग गया आने में? नहीं नहीं कुछ काम था ना मार्केट में हम लोग। अच्छा मार्केट का घंटे से ये हम नहीं चाहिए तो हम जा रहे कलर लेके वापस। हम भी चाहिए गया। सो गाइस देख सकते हैं मैं पहुंच गई यहाँ पे। भैया छठ की एकदम तैयारी चली जोरों शोरों से। मेहंदी लग रही है, मम्मी का रहेगा कल फास्ट है ना। ये तो रात में शकल ऐसे ही आती है। तो ये देखिए कह रही मुझे मत दिखाओ, कह रही है मुझे मत दिखाओ अभी मेकअप नहीं किया। बाबू मैं तो पहले कुछ लाई हूँ चिज्जी। अरे अरे दे 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 ये लो बाबू तुम्हारे लाए हैं गिफ्ट। वाह निकाल लो, रुको रुको निकाल दे। अरे रुको निकाल दे इनको देखिए क्या गिफ्ट है। बाबू के लिए गिफ्ट लाए हैं। बाबू खोलो अपने आप खोलो। उधर ले जाओ उधर। ये देखिए बाबू कितना एक्साइटेड है गिफ्ट देखने के लिए, एकदम खुश हो गया आते ही मुझसे। क्या रहा मेरे लिए क्या लाई हो? अरे अरे आराम से, अरे आराम से। क्या है बाबू ये? ओ माई गॉड निकाल निकाल दिखा दो अपना गिफ्ट गाइस लोग को। क्या बोले बाबू? वेलकम बाबू, आराम से देखना बाबू ये। अब आओ हमको एक आ हमसे मिल लो। ऐसे पहले वाला ऐसे ही था। हाँ दिखा दिखाओ। अच्छा छोटी सी स्कूटर। वाओ ये देखिए बाबू एकदम खुश हो गया गिफ्ट देख के। अच्छा, बाबू तोड़ना नहीं खेलना ठीक है। ये बाबू बिस्तर पे नहीं चलता है, फर्श पे चलेगा। बेड पे नहीं चलता है, बेड पे नहीं चलता बेटा। तो बाबू एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गया मेरा कार देख के। आओ बाबू हमसे मिले ही नहीं, कार लेके भाग गए। कहाँ गए? अरे कार पकड़ो पकड़ो। मैं बहुत सेल्फिश लड़का। ये बस खेलने में बिजी हो गया बाबू। इनको ये भी पता चल गया हम टिफिन लेके आए थे। बाबू कैसा है ये आपके लिए है? बाबू ये किसकी टिफिन है? बस इतना ही है बाबू, अब नहीं है ना। कलर नहीं लाए हैं? कलर लाइए रखे। सो गाइस अभी देख सकते खाना वाना खा लिया मैंने, कपड़े भी चेंज हो गए बढ़िया मस्त। बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। छठ पूजा की पूरा दिखाएंगे आपको वीडियो में, पूरा आप लोग देखिएगा, बढ़िया मस्त वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। सोने जा रही मैं। इनको देखिए अपने सोना चांदी में बिजी है और ये अपना कपड़ा देख के खुश हो गई। कल कहाँ पर चलिए बाय।